हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे बॉलीवुड की एवरग्रीन रेखा के बारे में। रेखा 69 की हो चुकी है, लेकिन बढ़ती उम्र का असर उन पर टिकता ही नहीं। देखा जाए तो रेखा को बॉलीवुड में एक रहस्य कही जाती है। हर कोई यही सोचता है कि रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती है। यहाँ तक कि रेखा की शादी भी एक राज रही। फिलहाल रेखा की जिंदगी में कोई प्यार है या नहीं, ये तो वही जाने। लेकिन हमेशा रेखा अपनी मांग में सिंदूर लगाए दिखती है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वे किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग ले सजाती है। 69 की उम्र में क्या उन्हें अकेलापन और तन्हाई नहीं सताती? क्या वाकई में तन्हा रेखा को किसी की जरूरत नहीं? खुलेआम अमिताभ के लिए अपने प्यार का इजहार करने वाली सदाबहार अभिनेत्री रेखा अपनी शादी के बाद दूसरी शादी पर, पति और जीवन साथी पर किस तरह की सोच रखती है? किस प्रकार से रेखा ने अलग अलग जगहों पर यह साबित किया है कि वाकई में उन्हें नहीं है किसी की जरूरत? खुलेआम इंटरव्यू में उन्होंने किया है कबूल कि हो चुकी है उनकी शादी, लेकिन किसी शख्स से नहीं तो किससे हुई है रेखा की शादी? क्यों रेखा मांग में लगाती है सिंदूर? किसके नाम उनके मांग में होती है सिंदूर? और क्यों रेखा की शादी की आज भी होती है बात? क्यों सज धज कर दुल्हन की तरह इस उम्र में भी हर फंक्शन में पहुंचती है? रेखा का अमिताभ से क्या रिश्ता रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। साल 1934 में भी रेखा दिल ही दिल में चाहती थी कि अमिताभ जमाने के सामने कम से कम इस रिश्ते की बात तो करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमिताभ बच्चन के साथ अपने रिलेशन को लेकर खुलकर बात करने वाली रेखा अपनी शादी के प्लानिंग को लेकर खुलकर बता चुकी थी कि वह शादी के बारे में इसलिए कभी नहीं सोची क्योंकि उन्होंने खुद को ही अपना जीवन साथी मान लिया। बता दें आप सबको कि रेखा आज भी इस उम्र में इसलिए किसी के साथ नहीं। रेखा जो 59 साल की हो चुकी है, इस उम्र में वह अकेली है क्योंकि वह बिल्कुल भी किसी को नहीं चाहती अपने जीवन में, और उन्होंने तय कर लिया है कि वह जीवन भर जिंदगी की आखिरी सांसत अली अकेली ही रहेगी। रेखा ने इस बारे में तब कहा जब टी में दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ उनकी शादी के बाद एक साल के अंदर रेखा ने अपने पति को खो दिया था एक ट्रेजेडी में। तो रेखा से पूछा गया था क्या दोबारा वह शादी करेंगी, इसी के जवाब में रेखा ने कहा था वह तो ऑलरेडी शादीशुदा है। रेखा अब 3 महीने के बाद किसी इवेंट में दिखाई दी। आखिरी बार रेखा को बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट उर्फ आमिर खान की बेटी आयरा खान के वेडिंग रिसेप्शन में देखा गया था। रेखा बॉलीवुड फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की आगामी सीरीज हीरा मंडी का ग्रैंड प्रीमियर अटेंड करने पहुंची।